रहम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर टू है राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी हमने वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी की डायरेक्शन में इन दोनों की सम की डायरेक्शन में हो सॉल्यूशन देख लेते हैं तो सॉल्यूशन में ये हो जाएगा ए हमने सपोज कर लिया वो वेक्टर है जो दोनों का ए और बी वेक्टर को सम करने से आते हैं तो ए प्लस बी वेक्टर तो ए वेक्टर की वैल्यू टू आई प्लस टू जे माइनस फाइव के है बी वेक्टर की वैल्यू टू आई प्लस जे माइनस सेवन के अब इनको ऐड कर लेते हैं इनको ऐड करेंगे तो टू आई आई के साथ ऐड हो जाएगा टू आई प्लस टू आई हो जाएगा टू जे प्लस जे हो जाएगा माइनस फाइव के माइनस सेवन के ये आ जाएगा टू को टू से ऐड करेंगे तो फोर हो, 2 +2, four, i हो, 2 हो 3j, जाएगा टू प्लस टू फोर आई आ जाएगा टू प्लस वन थ्री हो जाएगा थ्री जे माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस ट्वेल्व के आ जाएगा ये ए वेक्टर हमने फाइंड करने हैं हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं उसके लिए हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे कंपोनेंट का स्केयर प्लस के कंपोनेंट का स्केयर तो और होल स्केयर रूट तो फोर का स्केयर प्लस थ्री का स्केयर माइनस ट्वेल्व का स्केयर और स्केयर रूट आ जाएगा फोर का स्केयर क्या हो जाएगा फोर फोर जार सिक्सटीन प्लस थ्री थ्री जार नाइन प्लस ट्वेल्व ये माइनस जो है स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा पावर इवन है तो ख़त्म हो जाता है तो ट्वेल्व को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे वन फोटी फोर हो जाएगा अब वन फोर्टी फोर प्लस सिक्सटीन वन सिक्सटी हो जाएगा प्लस नाइन वन सिक्सटी नाइन स्केयर रूट वो स्केयर रूट वन सिक्सटी नाइन स्केयर रूट के इक्वल होता है थर्टीन के तो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी इज अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि वो यूनिट वेक्टर फाइंड करने जो सम ऑफ दी वेक्टर्स ए एंड बी के है। तो वो यूनिट वेक्टर मतलब कि किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मतलब कि सम उसका किस चीज़ के सम हमारे पास ये आ गया डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड सम ये ए वेक्टर फोर आई प्लस थ्री जे माइनस ट्वेल्व के है डिडेड बाई ए मैग्नीट्यूड थर्टीन है इलादा इलाधा कंपोनेंट को कर दिया फोर बाई थर्टीन आई प्लस थ्री बाई थर्टीन जय माइनस ट्वेल्व बाई थर्टीन के ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है ये वो वाला वेक्टर है जो ए प्लस बी वेक्टर के ये वो वाला यूनिट वेक्टर जो ए प्लस बी वेक्टर के सम से आया है